हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो कंटिन्यू हो रहा था बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जियोग्राफी यूनिट नंबर 4। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका है आज हमारा डे नंबर 1। यूनिट नंबर 3 तक ऑलरेडी सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। एक एक यूनिट पर हमने कम से कम 5 से 6 वीडियोस दिए हुए हैं, जिससे कि पूरा यूनिट आपको क्लियरली समझ में आ सके। एक एक पॉइंट पर हमने डिस्कस किया है, अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 का नाम है मानव बस्तियां, मतलब मानव अपने रहने के लिए जो भी बस्तियां आज आपको दिख रही हैं, चाहे वो गांव के रूप में हो, चाहे वो शहर के रूप में हो, नगर के रूप में हो, औद्योगिक नगर के रूप में हो, बड़े नगर के रूप में हो, महानगर हो, कंट्री हो, ये जो बस्तियां हैं ना, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका प्रकार क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, और उनके वितरण भारत के संदर्भ में कि भारत में कौन कौन से टाइप की बस्तियां पाई जाती हैं और कौन सी बस्तियां। ओके मेरे दोस्त, तो आज हम इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जो बस्तियां हैं इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके बेसिक एलिमेंट से, जो कि है मानव अधिवास के तत्व। मानव अधिवास मतलब मनुष्य के रहने का, अधिवास मतलब एक ऐसा आवास जहां पर मनुष्य शांतिपूर्वक रह सकता है। अब अधिवास की जरूरत हर एक इंसान को पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिवास का अपना एक बेसिक, बहुत बेसिक, बहुत नीड है, क्योंकि उससे हमारे भौतिक, हमारा जैविक, हमारा आर्थिक सारा जीवन कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। अगर हम भौतिक रूप से बात करें तो भौतिक रूप में जैसे कि हो गया धूप, वर्षा, पाला, ठंडी, गर्मी, इन चीजों से बचने के लिए भी हमें घर की जरूरत होती है। जैविक कार्यों की बात करें तो यार जीवन जीना है, अच्छे तरीके से नींद लेनी है, आराम करना है, विश्राम करना है, तो घर से ज्यादा सुकून कहीं मिलता नहीं है। और आर्थिक विशेषताओं को लेकर के भी कि अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए भी, मान लिया हमने कुछ चीजें जमा किया है, कुछ कमाया है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी हम अपने घर में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आवास एक ऐसा चीज है जिसकी इंपॉर्टेंस हर टाइम पीरियड में रहा है। और ये आवास शुरू तो हुए थे एक छोटे से घर से, छोटे से गांव से, धीरे धीरे ये बढ़ते हुए कहीं नगर, कहीं महानगर, कहीं स्टेट, कहीं बहुत बड़े लेवल पे कंट्री बन जा रही है, यूनिट्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या हो गया, विकास होता गया। अब जो ये एक अधिवास का निर्माण हो रहा है, एक घर का निर्माण हो रहा है, एक भवन बन रहा है, उसके लिए कुछ बेसिक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें 5 बेसिक तत्वों की जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले इसमें बात किया गया है कि सबसे पहले किसी अधिवास के लिए जरूरी चीज है प्रकृति, मतलब एक बेस्ट अधिवास अगर आप चाहिए तो प्रकृति, मतलब कि हाँ जो स्थल है वो तो चाहिए, कि जमीन, जगह, हर जगह तो जाकर के कोई अधिवास नहीं बनाता, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर लोगों का रहना, लोगों का जीवन ही नहीं है। तो कुछ ऐसे जगह है, स्थल है, प्राकृतिक वातावरण है जिस जगह पर घर बनाना, अधिवास बनाना संभव है। तो पहले वो प्राकृतिक स्थल इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है मनुष्य, जो उस अधिवास को बनाएगा और उस अधिवास का यूज करेगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अधिवास को कैसे बनाना है, अधिवास को कैसे यूज करना है, मनुष्य उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मनुष्य ही ना रहे तो किस बात का अधिवास, किस चीज के लिए अधिवास। तीसरी चीज है समाज, इन अधिवासों के संगठन से बनता है समाज, जो कि जीवन के लिए एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको लोगों के साथ कनेक्ट होकर के रहना, कहीं ना कहीं हर टाइम पर एक इंसान का कंपैरिजन चलता रहता है कि मैं ये हूं, सामने वाला वो है, मैं इस लेवल पे हूं, सामने वाला इस लेवल पे है, मेरे से छोटा है, बड़ा है, मतलब वो कंपैरिजन, वो चीजें, वो कहीं ना कहीं बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो समाज की जरूरत पड़ती है एक अधिवास बेहतर बनने के लिए, कि हाँ समाज में हम है। चौथी चीज है भौतिक कवच, यानी कि जहां पर आप रह रहे हो वहां पर ऐसा ना हो कि आपकी जो भौतिक वातावरण है इस लेवल पे हो कि जहां पर घर तो बना लिया है बट जीवन संभव नहीं है, या जीवन से जुड़ी हुई चीजें नहीं मिल रही है। पांचवी चीज है आपका प्रणाली तंत्र, यानी कि एक अधिवास से जब एक समाज बनता है तो उसके लिए कुछ प्रणाली तंत्र चाहिए, जैसे हो गया कि अगर हम कहीं पर समाज बना लिया या कुछ लोगों का संगठन बन गया, पगडंडी चाहिए, कुछ सड़क वगैरह चाहिए, आने जाने की सुविधा चाहिए, व्यापार से कनेक्टेड चीजें चाहिए, तो वो सारे जो प्रणाली तंत्र है वो सारे भी जरूरी है एक अधिवास को बेहतर सिचुएट करने के लिए, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से मानव अधिवास के ये 5 तत्व तो हैं, जिनके आधार पर अगर इनकी पूरी तरह से पूर्ति हो पाती है, अच्छे से पूर्ति हो पाती है, जहां पर वो जगह, वो स्पेस एक बेस्ट समाज के लिए, एक बेस्ट अधिवास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया सबसे पहले कि मानव अधिवास के तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से चीजों से मिलकर के मानव अधिवास बनता है।
अब जैसे मानव अधिवास की शुरुआत हो गई ग्रामों से, लेकिन धीरे धीरे ये नगरों में बढ़ते हैं और नगर भी अपने आप में अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं नगरों के वर्गीकरण की बात करूं तो नगरों का जो बेसिक रूप से वर्गीकरण होता है ना, ये होता है उनके कामों के बेस पर कि उस नगर में कौन से काम की प्रचुरता है या कौन से काम को महत्व दिया जाता है या किस काम की बहुत ज्यादा ही वहां पर डिमांड है। क्योंकि यार एक नगर है ना तो उसमें केवल एक काम नहीं होगा, उसमें बहुत सारे काम होंगे, बट कोई एक चीज ऐसा होगा जिसके लिए वो नगर जाना जाएगा, यानी कि वो नगर बहुत ज्यादा ही मात्रा में वो चीजें हो रही होंगी, बाकी चीजें थोड़े से कम मात्रा में हो रही होंगी। तो इस आधार पर नगरों को 6 भागों में बांटा गया है, जिससे पहला आता है आपका प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर एक ऐसा नगर है जहां पर प्रशासन की चीजें होती हैं, यानी कि जहां पर पूरे समाज को पूरे देश को प्रशासन के रूप में रखने के लिए, प्रशासनिक रखने के लिए चीजों की जरूरतें हों, चीजें हों, लोग हों, प्रशासन के अधिकारी हों, भवन हो प्रशासनिक, अलग अलग चीजें। जैसे कि आप इंडिया के बेस पे बात करोगे तो न्यू दिल्ली हो गई, अगर आप अमेरिका बोलोगे तो वाशिंगटन डीसी हो गया, पाकिस्तान बोलोगे तो इस्लामाबाद हो गया, बांग्लादेश बोलोगे तो ढाका हो गया। मतलब वह प्रशासनिक नगर है जो कहीं ना कहीं पूरी कंट्री को प्रशासन के रूप में कंट्रोल करते हैं, पूरी कंट्री के लिए जो भी नियम बनाए जाने हैं वो बैठ करके भवन में बनाए जाते हैं दिल्ली में। तो प्रशासनिक नगर ऐसे नगर है जहां पर प्रशासन से रिलेटेड चीजें होती हैं। दूसरा है औद्योगिक नगर, वे नगर जहां पर उद्योग की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि जहां पर उद्योग काम किया जा रहा हो वो नगर कहलाएगा आपका औद्योगिक नगर, जहां पर कच्चे माल से जो है एक पदार्थ की या फिर एक जो भी प्रोडक्ट है वो तैयार किया जा रहा हो कच्चे माल से, उसे कहेंगे औद्योगिक नगर। जहां पर कच्चा माल हो, जहां पर बेचा जा सकता हो, सेल किया जा सकता हो, या फिर पानी जल जो लोगों का स्रोत है, लोगों का काम करने वाले लोगों का स्रोत है, ये सारी चीजें, मतलब जो भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरत होती है ना, ये सारी चीजें जहां पर मिल पा रही हो और जहां पर इन चीजों के मिलने से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हो वो कहलाता है आपका औद्योगिक नगर। और अगला है आपका व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर कौन सा नगर है? ऐसा नगर जहां पर क्रय विक्रय के काम को ज्यादा माहौल बना हो, या जहां पर बेचा और खरीदा ज्यादा जाता हो, जहां से पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं एक लेवल पर सप्लाई किया जाता हो खरीद करके या बेच करके, समझ रहे हैं? ऐसे नगर कहलाते हैं क्या? व्यापारिक नगर। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, जहां से विश्व के हर एक जगह पर भेजा जाता है चीजें, या कहीं से कुछ भी परचेज करना होता है तो खरीदा जाता है, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, ये हब है कहीं ना कहीं परचेजिंग और खरीदारी के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है व्यापारिक नगर, मतलब वहां पे व्यापार होते हैं। अगला नगर है सांस्कृतिक नगर, यानी कि कुछ नगर ऐसे भी हैं जो अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, अपने जो है धार्मिक चीजों के लिए जाने जाते हैं, सांस्कृतिक चीजों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि भारत में आप हरिद्वार देख सकते हैं, या फिर आप अलीगढ़ देख सकते हैं, या फिर आप अगर दुनिया में बात करोगे तो जिनेवा देख सकते हो। तो ये सारे ऐसे शहर हैं जहां पर कहीं ना कहीं संस्कृति जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं? अगला है मनोरंजन या पर्यटन नगर। कुछ ऐसे नगर है जिनका निर्माण जो है मनोरंजन या पर्यटन के लिए ही किया गया है बेसिक रूप से, कि यहाँ पर लोग आए, पर्यटन का आनंद लें, मजे करें, मतलब ऐसे नगर ही निर्माण किया गया कि वहां पे कहीं ना कहीं टूरिज्म को ज्यादा प्रभावित किया जाता है। जैसे कि आप बात करोगे तो दुबई को आप ले सकते हो, दुबई आजकल टूरिज्म पे ही बेस्ड होता जा रहा है, टूरिज्म को ही बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है कि यहाँ पर आए लोग टूर करें। बैंकॉक हो गया, यहां पर लोग जाते हैं हॉलीडे मनाने के लिए, टूर करने के लिए। तो कुछ ऐसे शहर जो मनोरंजन या पर्यटन के लिए बन गए हों, यानी कि उनका जो मेन हब है, जिन मतलब नाम सुनते ही लग जाए कि हाँ यार यहाँ पे जा रहा है, कोई बैंकॉक जा रहा है, क्या जा रहा है, मजे करने के जा रहा है, मनोरंजन करने के लिए जा रहा है, आता है ना दिमाग में तुरंत ही कि यार हाँ जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं वो हब बन जाता है उस चीज के लिए। तो मनोरंजन और पर्यटन नगर वो है जहां पर मनोरंजन और पर्यटन को महत्व दिया जाता हो। परिवहन या संचार केंद्र नगर, मतलब ऐसे नगर जहां पर कहीं ना कहीं सड़कें, रेल, ये परिवहन बहुत अच्छे तरीके से बिछे हुए हैं, जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो, और संचार केंद्र मतलब वहां पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हो, चाहे वो कॉल्स हो, इंटरनेट हो, और भी तरीके से वाईफाई हो, उन तरीकों से संचार और परिवहन के काम हो सके, तो ऐसे नगर को परिवहन और संचार केंद्र नगर कहा जा सकता है। ओके, तो ये था बेसिकली आज हमने जो पढ़ा कि मानव का अधिवास के तत्व क्या है, किस किस चीजों से मिलकर के एक अधिवास बनता है, और नगर कौन कौन से टाइप से होते हैं प्रकार पढ़ लिया, और उत्पत्ति के लिए चीजों की जरूरत जो थी वो पढ़ लिया।
अब आगे हम और सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो कि आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप कहीं बोर हो जाएं, इसलिए मैंने कहा छोटे छोटे 10-10 मिनट की वीडियो ही बनाएंगे, दैट्स इनफ फॉर यू। तो हम कई पार्ट में बनाने वाले हैं, तो आज हमारा डे नंबर 1। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाले वीडियोज को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।